एवरीवन, यू नो चैप्टर इज फोर्स एंड प्रेशर, दैट इज चैप्टर नंबर 9। देन व्हाट इज फोर्स एंड व्हाट इज प्रेशर? इफ वी पुश और पुल समथिंग एल्स देन इट इज कॉल्ड फोर्स दैट वी अप्लाई। अगर हम किसी चीज को पुश करते हैं, धक्का देते हैं या फिर खींचते हैं, पुल करते हैं, तो पुश और पुल करने को ही क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं, जो हम अप्लाई करते हैं उस ऑब्जेक्ट पे उसको मूव करने के लिए। देन व्हाट इज अ फोर्स? वी ऑफन यूज द वर्ड फोर्स इन एवरीडे लाइफ एज पुश, पुल, स्ट्रेच एंड स्क्वीज। अ बॉडी कैन नॉट स्टार्ट मूविंग और स्टॉप इट्स मोशन और चेंज इट्स स्पीड और डायरेक्शन और शेप बाई इट सेल्फ अनलेस फोर्स इज अप्लाइड। वी अप्लाई फोर्स टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज, टू लिफ्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, टू राइड अ बाइसाइकिल, टू पुश द स्विच ऑफ अ टीवी सेट, टू पुट इट ऑन और टू ओपन अ कार डोर, टू गेट इन एंड सो ऑन। देन फोर्स क्या है? किसी भी चीज को अगर आप पुश करें, पुल करें, स्क्वीज करें, स्ट्रेच करें, उसे क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। जो हम अप्लाई करते हैं उस बॉडी पे, उसे मोशन में लाने के लिए या फिर उसके मोशन को खत्म करने के लिए, उसे स्टॉप करने के लिए, उसके शेप को बदलने के लिए, उसके स्पीड को बदलने के लिए, उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए, देन दैट इज कॉल्ड फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी राइड अ बाइसाइकिल देन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू राइड अ बाइसाइकिल। इफ वी lift a glass of water, then force is required to lift that glass of water. If we push the switch of a TV set to put it on, then we need force to do it. Then what is the conclusion? That force makes the thing in motion, and to stop it we need force to apply on it. Suppose you are standing behind a stationary car. Will the car move due to your presence? If you now begin to push the car, that is, you apply your force on it, the car may begin to move in the direction of the applied force. Observe that you have to push the car to make it move. In this case, you have to interact with the car by pushing or pulling it. By applying force on it, to make it move, we therefore conclude that objects must interact with each other for a force to come into play. कोई भी चीज को मोशन में लाने के लिए या फिर अदरवाइज उसके मोशन को खत्म करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ेगी। हमें उस ऑब्जेक्ट पे, उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी वो चीज मोशन में आएगी। आइदर वो स्टॉप होगा या फिर उसका स्पीड चेंज होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर उसका डायरेक्शन चेंज होगा। फोर्स इन द सेम एंड अपोजिट डायरेक्शन। व्हाट हैपेंस इफ टू पीपल और मोर देन टू पीपल अप्लाई फोर्स इन सेम डायरेक्शन? और व्हाट हैपेंस इफ टू पीपल अप्लाई फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन और मोर देन टू पीपल? हियर इन फिगर 1, अ गर्ल एंड अ बॉय इज अप्लाइंग फोर्स इन वन डायरेक्शन। यहाँ पे फिगर नंबर 1 में बॉय और गर्ल दोनों एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं? फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों के फोर्स के बेसिस पे क्या करे आपका, ये सोफा मूव करेगा। इन फिगर नंबर 2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो जिसका फोर्स ज्यादा होगा उसके अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स जितना होगा उतने फोर्स के बेसिस पे वो चीज क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, फोर्स अप्लाई करने पे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या चेंजेस ऑकर हो सकते हैं। फर्स्ट इज फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन टू स्टेट ऑफ रेस्ट। फोर्स क्या कर सकता है? स्टेट ऑफ मोशन मतलब कोई बॉडी अगर मोशन में है तो उसको हम रेस्ट में ला सकते हैं। कैसे? फोर्स अप्लाई करके। फोर्स कैन चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट इनटू स्टेट ऑफ मोशन। इट मींस कोई बॉडी अगर रेस्ट में है और हम उस पर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? मोशन में आ जाएगा।
फोर्स कैन स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या करेगा, स्लो डाउन और कंप्लीटली स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स फोर्स स्पीड जो है बॉडी का क्या कर सकता है, स्लो कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है या फिर स्टॉप कर सकता है. स्टॉप मतलब क्या हो, रेस्ट में ला दिया. फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का, क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है. फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, शक्ल भी बदल सकता है, साइज भी बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक रबड़ को स्ट्रेच करते हैं, फैलाते हैं, तो उसका क्या होता है, लेंथ बढ़ने लगता है. तो स्ट्रेच जो हम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स. हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है. वो स्ट्रेच हो रहा है तो उसका क्या हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है. दैट्स व्हाई फोर्स कैन चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट का स्पीड भी इंक्रीज कर सकता है अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करें. फॉर एग्जाम्पल अगर नॉर्थ डायरेक्शन में कोई चीज मूव कर रहा है मोशन में, और उसी डायरेक्शन में हम उन्हें उस पर और फोर्स लगाया, तो क्या होगा, उसका स्पीड इंक्रीज कर जाएगा. लेकिन अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम उसको साउथ डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, आइदर वो चीज का स्पीड स्लो हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, या फिर वो स्टॉप हो जाएगा. क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस, कैटेगरीज क्या है, फोर्सेस के कैटेगरीज हैं, दो कैटेगरीज है. वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स एंड देन अदर इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. कॉन्टैक्ट फोर्स मीन्स प्रॉपर कॉन्टैक्ट होना चाहिए, टच होना चाहिए. प्रॉपर कॉन्टैक्ट अगर हो तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं. एंड अगर कॉन्टैक्ट ना हो, विदाउट कॉन्टैक्ट के कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, उसे क्या कहेंगे, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहेंगे. तो कॉन्टैक्ट फोर्स में आपके दो फोर्सेज आते हैं, वन इज मस्क्यूलर फोर्स एंड the another is frictional force. Muscular force उस फोर्स को कहते हैं जो मसल से अप्लाई हुआ हो. फॉर एग्जाम्पल हम कोई चीज को पुश करें, पुल करें, लिफ्ट करें या फिर उसे गिराएं, तो उसके लिए जो हम फोर्स लगाते हैं, किससे लगाते हैं, मसल से लगाते हैं. उसको हम क्या कहते हैं, टच करते हैं तभी हम अपना मसल वाला फोर्स अप्लाई कर पाते हैं. विदाउट कॉन्टैक्ट का हम उस पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ग्लास को लिफ्ट कर रहे हैं पानी पीने के लिए, ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसको हम उठा रहे हैं पानी पीने के लिए, तो विदाउट टच, बिना उसको पकड़े, बिना उसको छुए, उसके बिना कॉन्टैक्ट में आए, हम उसे लिफ्ट नहीं कर सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स. उसको अप्लाई करने के लिए कॉन्टैक्ट जरूरी है, प्रॉपर कॉन्टैक्ट जरूरी है. एंड दिस इज मस्क्यूलर फोर्स. यहाँ पे फोर्स मसल की मदद से अप्लाई किया जा रहा है. दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मस्क्यूलर फोर्स. This force change either the position or shape and size of an object. To exert muscular force on an object, our body has to be directly or indirectly in contact with the object. The muscular force is a contact force. Same thing जो हमने बताया अभी कि muscular force क्या है, contact force है. उसको apply करने के लिए contact होना जरूरी है, चाहे वो directly हो या फिर indirectly हो. Second one is frictional force. मसल से अलावा, मशीन से या फिर किसी पुली की वगैरह से हम कोई चीज़ को क्या करते हैं, लिफ्ट करते हैं या फिर उसको ड्राइव करते हैं, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं. द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स. इस फोर्स में क्या होता है, वो अपोज करता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार राइड कर ड्राइव कर रहे हैं रोड पे, तो उसके चक्के को अपोज करेगा जो दूसरा फोर्स, वो कौन सा होगा, जमीन का फोर्स होगा. वो उसको क्या करेगा, रोकेगा. लेकिन हम क्या करेंगे, उसके अपोजिट में उसके आगे जाएंगे, लेकिन वो हमें पीछे की तरफ रोकेगा. इस प्रकार के फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन अ मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डिस्टेंस and its direction is always opposite to the direction of motion. यहाँ फिगर पे देखिए, एक बॉक्स को कोई क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, पुश कर रहा है, तो क्या है, पुशिंग फोर्स है. लेकिन जिस जमीन पे उसको पुश कर रहा है, तो वो जमीन उस पर अपोजिट फोर्स लगा रहा है, उसे रोक रहा है कि नहीं जाने देंगे तुम्हें, तो वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है. हम इसको क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, लेकिन जो
सरफेस है वो उस पर कौन सा डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है, वेस्ट डायरेक्शन का फोर्स लगा रहा है, एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, आइदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। द सेकेंड कैटेगरी इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें विदाउट कॉन्टैक्ट का फोर्स अप्लाई होता है। इसमें कौन कौन से फोर्स आते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स आता है, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, मैग्नेटिक फोर्स आते हैं। तीन फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर आते हैं। फर्स्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट अदर ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट विद अ फोर्स व्हिच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। हर एक चीज इस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की, एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना किसी कॉन्टैक्ट को एक दूसरे को खींचते हैं, और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपके अर्थ का ग्रेविटेशन। कोई चीज अगर आप हवा में ले आके छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अर्थ की तरफ चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। अर्थ क्या करता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, बिना उसके कॉन्टैक्ट के, बिना उसे पकड़े क्या करता है, उसको अपने तरफ खींच लेता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हुआ आपका, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। क्यों नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ, क्योंकि बिना ही किसी कॉन्टैक्ट को उस चीज को, जिस चीज को आप ड्रॉप कर रहे हैं उसे खींच ले रहा अपने तरफ। Now the second is electrostatic force. The force exerted by a charged body or another charged or uncharged body is known as electrostatic force. Charged body के जरिए जो force apply होता है, इसका best example बच्चे खेलते हैं scale से, अपने hair पे rub करते हैं, then a piece of paper वो क्या करते हैं, attract करते हैं उस scale के जरिए। तो वो क्या हुआ, scale को जब अपने hair पे आप rub करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या होगा, चार्ज्ड हो जाएगा वो स्केल, देन आप उस स्केल के मदद से एक छोटे से कागज के टुकड़े को क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। वो बिना कॉन्टैक्ट के उस कागज के टुकड़े को क्या करता है, अपने तरफ खींच लेता है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जो क्या होता है, चार्ज्ड बॉडी क्या करता है, किसी दूसरे बॉडी को खींचता है, उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करता है, रिपेल करता है, या फिर उसको अपने तरफ खींचता है। इस प्रकार के फोर्स हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। इसके कई सारे एग्जांपल्स होते हैं। और द थर्ड एंड द मोस्ट कॉमन फोर्स, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, जिसे आप लोग बचपन से खेलते आ रहे होंगे मैग्नेट से, कि मैग्नेट आखिर कैसे दूसरे मैग्नेट को बिना पकड़े खींच लेता है, या फिर आयरन के पीसेस को कैसे अपने तरफ खींच लेता है। तो वो जो फोर्स अप्लाई करता है, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। वो क्या करता है, मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करता है, और वो बिना कॉन्टैक्ट के, चूंकि दूसरे मटेरियल को अपने तरफ खींचता है, इसलिए क्या कहलाएगा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। और मैग्नेट्स की इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं, जिस प्रॉपर्टी के जरिए वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, या फिर अपने से उसे रिपेल करता है, उसे अपने से दूर भगाता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अ मैग्नेट, and commonly known as magnetism. Now the next topic is measuring of force, that we will discuss in next video. Okay, then good.